चीन की उड़ानों पर पाबंदी लगाने की मांग अब उठने लगी है। दरअसल अमेरिका समेत बहुत से देश इस वक्त चीन से डर गए हैं, क्योंकि चीन के जिस मिस्ट्री वायरस ने वहां हाहाकार मचाया हुआ है, उसने अब यूरोप और अमेरिका में भी बच्चों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं और सबको खौफ लग रहा है कि ये कोरोना वायरस पार्ट 2 तो नहीं। साल तक कोरोना वायरस से जूझने के बाद चीन में अब एक दूसरे वायरस ने कोहराम मचा दिया है और उसके निशाने पर हैं बच्चे। तेज बुखार चढ़ता है, गले में दर्द होता है, सांस उखड़ती है, थकान के मारे शरीर चूर चूर हो जाता है। ऐसी खांसी होती है कि महीनों तक ठीक ही नहीं होती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में आए कुछ लोगों में इसमें एक भी लक्षण नजर ही नहीं आता। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा कोरोना वायरस के कई मरीजों में देखने को मिला था। इंसान सामने बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है, मगर अपने इर्द गिर्द वायरस बांटता फिरता है और जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि मरीज ट्रैक ही नहीं हो पाती और एक बीमार आदमी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, यहाँ तक कि दूसरे देश में लोगों को बीमार कर चुका होता है। चीन में फैले ऐसे खतरनाक निमोनिया ने बच्चों को बेहाल कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों का मजमा लगा है। कैपिटल बीजिंग तक में हॉस्पिटल में एक बेड पाने के लिए मारामारी है, क्योंकि रोजाना 1200 से 1500 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो चीन में लॉकडाउन के आसार बन जाएंगे। लोगों के चेहरों पर मास्क तो दोबारा लग ही गए हैं और सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल वैसे ही बंद है और बच्चे या तो घरों में कैद हैं या फिर अस्पताल के बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। ये सब चीन के मिस्ट्री वायरस का कहर है। चीन खुलकर साफ साफ कुछ भी बताने को तैयार नहीं। बीमार चीन है, मगर सांसें पूरी दुनिया की अटकी हैं, क्योंकि 2019 में चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का जो फट्टा बैठाया, उससे दुनिया अब तक पूरी तरह नहीं उबर पाई है। कोरोना वायरस से एशिया से लेकर अमेरिका तक कुल करीब 70 लाख मौतें हुई और चीन में नमोनिया ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसलिए हर कोई खौफ में है कि कहीं चीन ने कोई नया वायरस तो पैदा नहीं किया, क्योंकि कोरोना वायरस को भी चीन का बनाया बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। ऐसे आरोप अमेरिका में लगे और कई देशों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार तक बताया गया। आरोप लगते हैं कि कोरोना कोई प्राकृतिक वायरस नहीं था जो अपने आप बना और फैला, बल्कि चीन ने अपने दुश्मनों को जान से मारने के लिए सोची समझी साजिश के तहत कोरोना वायरस को तैयार किया था। अपने वुहान शहर की लैब में अमेरिका से लेकर कई देश आरोप लगाते हैं कि चीन के वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वायरस बनाया, मगर वहां से चीन और फिर चीन से पूरी दुनिया में फैल गया। चीन में शुरू हुई इस बीमारी की टाइमलाइन भी बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी ही है। कोरोना भी साल 2019 के आखिर में चीन में फैलना शुरू हुआ था और 2020 की पहली तिमाही तक उसने दुनिया के दर्जनों देशों में लॉकडाउन लगवा दिया था। चीन का नया बुखार भी नवंबर और दिसंबर के महीने में फैल चुका है और अब डर है कि 2024 में ये कहीं कोरोना पार्ट 2 वाला हाहाकार ना मचा दे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोरोना वायरस के फैलने के दौरान भी चीन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था और अब भी वो कह रहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, ये नया नहीं पुराना ही वायरस है। यही वजह है कि सभी देश आशंका जता रहे हैं कि चीन इस बार भी सच छिपा रहा है।
उसके इरादे खूंखार हैं। वो एक नया वायरस फैलाकर बिना लड़े ही अपने दुश्मन देश की आबादी को बीमार करके मौत के घाट उतारना चाहता है। ऐसा डर कई देशों में जताया जा चुका है। बाकी देश जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो डर जता रहे हैं, उसमें भी दम है, क्योंकि अब सिर्फ चीन में ही बच्चों को निमोनिया नहीं हो रहा बल्कि बीमारी यूरोप से लेकर अमेरिका तक पहुंच गई है। यूरोप के कई देशों में बच्चों को निमोनिया हो रहा है। फ्रांस, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ब्रिटेन भी डरा हुआ है। अमेरिका में भी बच्चे निमोनिया से बीमार पड़ रहे हैं। वहां के अहायो और मैसाचुसेट्स राज्य में भी केस बढ़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में बच्चों के बीमार पड़ने का चीन में फैल रहे निमोनिया से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, मगर अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से चीन पर ट्रेवल बैन लगाने की मांग उठा दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि जब तक चीन इस बीमारी के बारे में एक एक चीज नहीं बता देता, तब तक अमेरिका और चीन के बीच लोगों के सफर को पूरी तरह बंद कर दिया जाना चाहिए। मगर चीन ने जैसे कोरोना वायरस के कंट्रोल होने की बात कही थी, वो इस बार भी वही कह रहा है।中国有非常健全的医疗体系，那么，最近发生的一些个别地方发生一些儿童的感冒的事件，这其实在任何国家都会发生，而在中国处在有效的管控之下。 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी चीन से इस बीमारी की एक एक डिटेल मांग चुका है, मगर वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चीन का रवैया कुछ उसी तरह का है। इसी वजह से भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। वो चीन के हालात पर नजर बनाए हुए है और उसकी तरफ सभी राज्यों को अपने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की बात कही गई है। कई राज्य चौकन्ने हो गए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। गुजरात से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु भी मामले पर नजर रखे हुए हैं।